सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर एक ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। दोस्तों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। रिटायरमेंट की उम्र के हिसाब से पेंशन के पैमाने में बड़ा बदलाव होने वाला है। वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कितनी पेंशन यहाँ पर आपकी बनेगी, किस तरह आपको पेंशन मिलेगी, कौन कौन से नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हैं आप, तो ये वीडियो, ये भारत सरकार का प्रस्ताव आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, सरकारी प्रस्ताव में देश की तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। साथ ही अलग अलग उम्र में सेवानिवृत्ति के आधार पर पेंशन का प्रतिशत भी तय किया जाएगा। चलिए जानते हैं आर्म फोर्सेज में रिटायरमेंट और पेंशन का पैमाना जो बदलने वाला है, वो उसकी पहल सबसे पहले जानते हैं किसने की है। तो रक्षा मंत्रालय के तहत बना नया विभाग मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसरों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। साथ ही प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव इसमें दिया गया है। आर्म फोर्सेज के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि इसके लागू होने पर रिटायर होने वाले ऑफिसरों की पेंशन पर असर पड़ेगा। इस मामले पर कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को CDS जनरल बिपिन रावत हेड करते हैं। किसने निर्देश दिए हैं? तो मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से 29 अक्टूबर को एक लेटर जारी किया गया था, जिसके बाद कहा गया था कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट GLL GCL तैयार कर लिया जाएगा। इसे CDS जनरल बिपिन रावत देखेंगे। किन अधिकारियों के रिटायरमेंट एज में बदलाव होने वाला है, लेटर में क्या कहा गया है? प्रस्ताव में आर्मी में कर्नल, नेवी, एयरफोर्स में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़ाकर 57 करने, ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज को 56 से बढ़ाकर 58 करने, और मेजर जनरल और इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज को 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने का जो है प्रस्ताव है। लेफ्टिनेंट जनरल और उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सैनिक और नेवी, एयरफोर्स में इनके समकक्ष जो कि लॉजिस्टिक, टेक्निकल, मेडिकल ब्रांच में हैं, इनके रिटायरमेंट एज भी 57 साल करने का प्रस्ताव है। अभी बात करते हैं कि पेंशन कटौती का क्या फॉर्मूला है। प्रस्ताव में प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों की पेंशन को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन, 26 से 30 साल की सर्विस में 60%, 31 से 35 साल की सर्विस में 75% और 35 साल से ज़्यादा की अगर कोई सर्विस करता है तभी उसको पूरी पेंशन दी जाएगी। बात करें आगे कि सरकार आखिरकार ऐसा प्रस्ताव क्यों ला रही है, तो लेटर में कहा गया है कि सीनियर पोजीशन में कम वैकेंसी होने की वजह से कई अधिकारी बोर्ड आउट हो जाते हैं, वहीं कहीं स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो कि हाई स्किल जॉब के लिए ट्रेंड होते हैं वो दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इसे हाई स्किल्ड मैन पावर का नुकसान होता है और आर्म फोर्सेज के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी है। इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है कि रिटायरमेंट जो है उम्र के हिसाब से यहाँ पर उनकी पेंशन में बदलाव किया जाएगा, और इसको लेकर कोर्ट भी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं अधिकारी लोग। आपका क्या कहना है कि रिटायरमेंट एज का जो प्रस्ताव गवर्नमेंट लेके आई है वो सही है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।